नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल स्ट्रेटजीज के बारे में, और हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से अगर आप एक लेमन हैं, आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं और उन स्ट्रेटजीज में क्या क्या फॉर्मूलेज लगे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तफसील से आपको ये वीडियो बताई जाएगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलने वाली डिटेल, जितनी भी आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, वो सब एल्गो ट्रेडिंग या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में होती हैं, और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा जानने में कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है और आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ नहीं करते, और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं या कुछ वर्किंग प्रोफेशनल है, पूरा टाइम नहीं मिलता, तो किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.algocrab.com। जब आप algocrab.com पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। जैसे ही आप साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, जिसमें कि आप लाइव ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 1 पे। तो स्टेप 1 के लिए जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा, और इस डैशबोर्ड पर दोस्तों आपको जाना है ऑथेंटिकेशन में। जब आप ऑथेंटिकेशन के टैब में जाते हैं तो इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन में आपको दोस्तों क्या करना होगा, इस स्क्रीन में आपको सबसे पहले अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रोकर्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट में अलग अलग ब्रोकर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो भी ब्रोकर आपको पसंद है, वो ब्रोकर या फिर जिस ब्रोकर में आपका अकाउंट है, वो ब्रोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोकर इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो हमारे पास यहाँ पर टोकन है, और यहाँ पर देखिए आप टोकन वैलिड दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने धन का ब्रोकर इस्तेमाल किया है, और धन के ब्रोकर में हमने क्या करना है, हमने लॉगिन करना होता है धन पे, और वहाँ पर एक प्रोफाइल में एक ऑप्शन मिलता है हमें, और वहाँ से हमारे को टोकन मिल जाता है। उस टोकन को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, और उसके बाद जनरेट किया है। तो जब जनरेट किया, तो जनरेट करने के बाद हमारे को वहाँ से एक्सेस मिल जाता है, और हम वैलिडेट टोकन करके देख सकते हैं कि टोकन वैलिड है या नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है, मैंने धन के ब्रोकर के साथ किया है। आपके पास जो भी ब्रोकर है, उन सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जिस भी ब्रोकर का आपका अकाउंट है, आप उसका यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आपको अटैच करने में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको उस सब में मदद करेंगे। वैसे भी जैसे भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे, तो 6 दिन के फ्री ट्रायल के साथ साथ आपको 1 दिन बाद या उस सेम डे हमारी तरफ से कॉल आएगा। वेलकम कॉल होता है, जिसमें कि हम पूछते हैं आपसे कि किस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ये आपको रोज करना होता है, एवरीडे मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे के बीच आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो, टोकन वैलिड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आज के लिए आपका ब्रोकर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो गया, और अब आपका ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुली चला जाएगा। ठीक है, ये था पहला प्रोसेस। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, हमको स्ट्रेटजी सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल ईगल ट्रेडिंग सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एल्गो ट्रेडिंग पर जाएंगे, और एल्गो ट्रेडिंग पर जब आप स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करेंगे, तो स्ट्रेटजीज में आपको यहाँ पर ये स्ट्रेटजीज दिखाई देती हैं, जिसमें कि ईगल ट्रेडिंग सबसे पहले नंबर पर आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईगल ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, तो आपको यहाँ मोर इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा बताता है। ईगल ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रेटजी का नाम है, ट्रेड टाइप इंट्राडे है, मतलब कि इंट्राडे ही ट्रेडिंग होगा। इंडिकेटर यूज्ड, इसमें हमने कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसमें नन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में दोस्तों हम जनरली कैंडल का ब्रेकआउट यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट्स के ऊपर हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। जैसे कि कोई हमने यहाँ पर, जैसे ये स्ट्रेटजी है, टाइम रेंज ब्रेकआउट बेस्ड स्ट्रेटजी ईगल ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे होंगे, 9:15 से 9:30 के बीच के टाइम का हम हाई और लो, इन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं, जो लोएस्ट प्राइस होता है और जो हाईएस्ट प्राइस होता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, तो 5 मिनट की कैंडल, कोई भी कैंडल, अगर उस हाई से ऊपर क्लोज होती है तो हम बाय लेते हैं, उस लो के नीचे क्लोज होती है तो हम सेल लेते हैं। इस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग में हमारा ईगल ट्रेडिंग सिस्टम काम करता है। ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है, इसको कोई इंडिकेटर हमने नहीं लगाया,
हमने सिर्फ ये कैप्चर किया कि 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच सबसे लोएस्ट प्राइस क्या था और सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या था। वहां पर एक रेंज डिसाइड हो जाती है और उस रेंज के ऊपर जैसे ही मार्केट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपका बाय होता है, उसके नीचे सेल होता है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉस में आपको 0.25% का स्टॉप लॉस है और टारगेट में 0.25% का टारगेट भी है, साथ में 0.75% का टारगेट है और आगे भी टारगेट है। तो टारगेट के केस में दोस्तों ये होता है कि 0.25% जो हमने दिखाया है वो पर्टिकुलर सिंबल का होता है। जैसे निफ्टी में आप काम करते हो तो निफ्टी का प्राइस अभी 18,000 चल रहा है, तो 18,000 का 0.25% यानी कि अप्रोक्स 45 रुपीज आपका स्टॉप लॉस और 45 रुपीज टारगेट रहेगा। यानी कि निफ्टी अगर 18,000 से 18,045 जाती है और आपका बाय का सिग्नल चल रहा है तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। टारगेट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो 1:1 रेशो में रख सकते हैं, 1:2 में, 1:3 में, तो अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये तो था डिस्क्रिप्शन की किस तरीके से आपको इससे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंबल लगा के जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या प्रोसेस करना होगा। उसके लिए बहुत ही प्रोसेस आसान है, आपको सिंबल क्रिएट करना है और उसके बाद उसे स्टार्ट करना है। सिंबल क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेटेजीज, कस्टमाइज स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आता है। कस्टमाइज स्ट्रेटेजी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट स्ट्रेटेजी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं, उनमें से सिंबल्स आप सर्च कर सकते हो। कोई भी सिंबल आपको सर्च करना है, जैसे मान लीजिए आप निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर निफ्टी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप निफ्टी को सर्च करेंगे तो निफ्टी से रिलेटेड डेटा आ जाएगा, जैसे अप्रैल, जून, मई। अब जैसे मई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मई के कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्वांटिटी 50 डाला और ये सब डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर दी। तो जब हम ये सब डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे उसके बाद क्या होगा, हमें सेव का क्लिक करना होगा। मान लीजिए अभी मैं सेव करता हूँ, जैसे टारगेट के मैंने ऑप्शन बताया आपको, 1, 2, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस ऑन ऑफ लिखा हुआ है, मार्केट ऑर्डर, एनआरएमएल ऑर्डर। यहाँ पर एक चीज जरूर करना है दोस्तों, ऑर्डर टाइप में हमें एमआईएस करना है क्योंकि ये इंट्राडे के लिए है। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। जैसे सेव करते हैं तो कार्ड बन जाता है और उसमें दो बटन आ रहे हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन कलर का। तो ऑरेंज कलर का बटन हमें क्लिक करना है। जब ये ब्लैक कलर के मोड में आ गया समझ लो कि आपका ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको स्टार्ट करता, अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कोई सिग्नल आएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड हो जाएगा। ये था फ्यूचर में या कैश में या पर्टिकुलर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एटीएम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आपका ऑटोमेटिकली एट द मनी, आउट ऑफ द मनी या इन द मनी में ट्रेड हो जाए अगर आपका इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड आता है, तो वो प्रोसेस भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। प्रोसेस वो भी बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको जाना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के टैब में और ऑप्शन स्ट्रेटजीज में। सबसे पहले आप जैसे ही ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक सिंबल क्रिएट करने का, कार्ड क्रिएट करने का एक मॉडल खुलेगा। इस मॉडल में कुछ डिटेल्स आपसे डिफरेंट मांगी जा रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंबल का नाम मांगा जा रहा है। तो सिंबल का नाम में आपको मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी डालना है। उसके बाद वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आपका वीक का 4 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप यहाँ पर 4 डाल सकते हैं डे में। उसके बाद यहाँ पर मंथ में आप मई डालेंगे और यहाँ पर ईयर में आपको 23 डालना है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डिफॉल्ट 25 है, आप 50 या 75 है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। अगर एट द मनी करना है तो आपको एट द मनी लिखना है, ओटीएम आईटीएम करना है तो उस हिसाब से गैप डाल सकते हो, कितना गैप करना है, टारगेट स्टॉप लॉस डाल सकते हो और सेव कार्ड करोगे। सेव कार्ड करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से कार्ड दिखेगा, इस कार्ड को आपको स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही कोई ट्रेड आएगा वो पर्टिकुलर सिंबल में आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड ले जाएगा। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये सिग्नल लेगा तो ये इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से सिग्नल लेगा, ना कि आपका पर्टिकुलर एटीएम ऑप्शन के हिसाब से ट्रेड लेगा। जैसे ही आपका निफ्टी में ट्रेड आएगा यानी कि निफ्टी में बाय का सिग्नल बनेगा तो ये ट्रेड कर देगा आपके एटीएम ऑप्शन में। और साथ ही साथ जब निफ्टी में 45 पॉइंट्स नीचे जाएगी निफ्टी या 45 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तभी आपका 0.25% का स्टॉप लॉस या टारगेट लेगा। चाहे उस टाइम पे आपकी ऑप्शन का प्राइस 0.25% डाउन हो या 0.5% डाउन हो या फिर 0.5% अप हो या 0.25% अप हो, वो वेरी करेगा। यानी कि इसमें जो रेफरल लिया है हमने वो निफ्टी फ्यूचर का लिया है, ना कि निफ्टी के ऑप्शन का लिया है। तो ट्रेड ऑप्शन में जाता है लेकिन जो फ्रंट एंड पे जो चीजें यूज होती हैं वो निफ्टी का फ्यूचर यूज होता है, ना कि निफ्टी का एटीएम का ऑल या पुट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज ध्यान रख के ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रेटजीज में जो इसका मंथली प्राइस है उसमें आपको 1999 का प्राइस यानी 2000 रुपये का एक महीने का चार्ज पे करना होता है। इसमें आपको GST एक्स्ट्रा पे करना होता है जो कि लमसम 300 के आसपास होता है, तो 2300 समथिंग का कुछ आपका मंथली प्राइस है। अगर आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस पर आप क्वार्टरली पे आपको 4999 का मिलेगा यानी कि आपको 1000 का फायदा होता है। अगर आप उसी तरीके से हाफ ईयरली या ईयरली लेते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि आप अगर आप ईयरली लेते हैं तो आपको 14999 का पड़ता है यानी कि अप्रोक्स 2000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1200-1300 रुपये का पड़ता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन से हमारे प्लान से जो भी आपको पसंद आता है आप प्लान परचेज कर सकते हो। और सिंपल है, आपको मैंने दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि आपको टोकन लेना है। टोकन आपका आ गया और टोकन वैलिड है, इसका मतलब आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सेकेंड प्रोसेस, आपको स्ट्रेटजी सेलेक्ट करके स्ट्रेटजी में सिंबल को स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ईगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से यूज करनी है, तो ईगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जाके आपको सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग पे जाना है और वहां पर कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाके आपको सिंबल का कार्ड क्रिएट करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है और ऑप्शन स्ट्रेटजी में जाके कार्ड क्रिएट करना है, उस हिसाब से ट्रेडिंग करता रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रोसेस जो था वो आपको बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रोसेस था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके हमें बताएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग माइंड्स।